Hi everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. As you all know, my name is Kirtika Singla. Welcome to my YouTube channel. तो इतने डिमांड के बाद फाइनली आई एम हेयर विद अ रूम टूर वीडियो. आई होप आपको अच्छा लगे. बहुत ही सिंपल सा रूम है मेरा, इसमें कोई ज्यादा चटक मटक कुछ नहीं है. आपको गैजेट्स और मेरा डेस्क वगैरह यही कुछ दिखने वाला है, राइट? तो इसके बिहाइंड देयर इज अ मेन गेट ऑफ माय रूम, ठीक है? तो मैं इसके अंदर ही खड़ी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड आगे देखते हैं क्या क्या आपको नजर आता है. ओके, सो इस वॉल पे अगर आप देखो, हेयर ऑन दिस वॉल आपको सिर्फ कर्टन्स 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 ही दिखाई देंगे और कुछ भी नहीं है इस वॉल पे. एंड अगर हम इस गेट के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करें तो आपको ये गुड नाइट दिखाई देगी जो आपको हर ग्लास में दिखाई देती है. नेक्स्ट इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही आपको दिखाई देगा ये पेज जो मैंने कल ही एनवायरमेंट डे पे लगवाया है. सो दिस इज अ न्यू थिंग जो आपकी क्लास में एड ऑन हुई है जो आपको बहुत ही फ्रेशनेस और बहुत ही अच्छा फील करवाएगी ड्यूरिंग द क्लास. नेक्स्ट इज व्हाइट बोर्ड हेयर जिसपे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ. एंड आफ्टर व्हाइट बोर्ड उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे देर आर सम मोर कर्टन्स. एंड इसके पीछे बालकनी है विच आई कैन, जब भी हमारे क्लास में लाइट जाती है या जब भी लाइट चली जाती है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ सो दैट आई कैन हैव सम लाइट. एंड उसके बाद यू कैन सी हेयर अ स्मॉल डेस्क. ये मेरा रेगुलर डेस्क नहीं है या फिर वो डेस्क नहीं है जिसपे मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ. दिस इज अ नॉर्मल डेस्क जिसपे इफ यू कैन सी हेयर ऑन दिस कैबिनेट यू कैन सी ऑल योर कंप्यूटर बुक्स जो मुझे इजिली मैं एक्सेस कर लेती हूँ यहाँ से. एंड हेयर सब फालतू का सामान जो हमारा छोटा बहुत होता है. एंड हेयर यू हैव प्रिंटर. एंड ये काफी बच्चों ने पूछा था कि ये वुमेन्स डे पे अनअकेडमी ने ही हमें भेजा था, राइट? दिस ये पानी के बीच में ऐसे स्टोन्स एंड कैंडल्स हम, एंड वही एक प्लांट भी भेजा था एलोवेरा का छोटू सा डेस्क प्लांट जो कि बिल्कुल खराब हो गया है. तो ये ऐसा ही आया था, थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम थी. एंड देन हियर यू गो विद द मेन पार्ट ऑफ माय रूम जहां पे मैं अपना पूरा टाइम जो है वो स्पेंड करती हूँ, वो यही कंप्लीट पार्ट है. तो यहाँ पे मैंने छोटे बहुत एलिमेंट्स रखे हैं जस्ट टू मेक मी फील गुड. एंड हेयर यू कैन सी सब ये मॉडर्म ये लैपटॉप जहां पे मैं आपकी क्लासेस बैठकर लगाती हूँ. मेनली दिस इज द मेन डेस्क ऑफ माय रूम जहां पे इस जगह पे ही मैं टाइम पूरा स्पेंड करती हूँ. इवन बेड पे नहीं इतना बैठती हूँ, यहाँ पे अपना पूरा टाइम जो मैं अपना स्पेंड करती हूँ. सो दीज आर थ्री ड्रॉर्स. इसमें आपके मेरे पूरे गैजेट्स हैं. कभी मैं आपको जरूर वीडियो में दिखाऊंगी व्हाट गैजेट्स आई यूज, व्हाट आर द मेन थिंग्स वी यूज ड्यूरिंग द क्लासरूम, राइट? एंड उसके बाद अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे चलें तो हेयर यू कैन सी माय मिनी लाइब्रेरी. तो मिनी लाइब्रेरी के बारे में अगर काफी पूछते रहते हैं, मैम कौन सी लाइब्रेरी की आप बात करते हो, या फिर वेट फॉर अ सेकेंड. सो आप लोग पूछते हो कि मैम आपके पास कौन कौन सी बुक्स हैं या फिर कितनी बुक्स हैं आप लोगों के पास. तो दिस इज माय मिनी लाइब्रेरी जिसके जैसे ड्रॉर्स में ये टेबल ड्रॉर्स में या फिर और ड्रॉर्स में भी बुक्स हैं मेरी, बट दिस इज एक्चुअल लाइब्रेरी. आपको सिर्फ मैथ्स की बुक्स दिखेंगी क्योंकि कंप्यूटर की बुक्स दूसरे ड्रॉर में है. सो हेयर यू कैन सी द कम्प्लीट वन. ये ऊपर और नीचे भी इसके पूरे के पूरे बुक्स 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 ही हैं. ओनली मैथमेटिक्स बुक्स और कोई बुक्स नहीं है मेरे पास. एंड यस, यहाँ ही मेरा रूम का एंड हो जाता है. इतना कुछ इंटरेस्टिंग आपको शायद नहीं लगा होगा क्योंकि बहुत ही सिंपल सा रूम है और बाहर भी आपको ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा. सब कुछ अंदर ही होता है, बेड के अंदर या फिर ड्रॉर्स के अंदर या फिर टेबल के अंदर. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इसके लिए बहुत वेट आपने भी किया, मैंने भी बहुत वेट किया. तो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन. जो भी आपको रूम के लिए फील हो, अच्छी वाइब गुड वाइब या बैड वाइब तो नहीं होनी चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हो. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. बाय बाय, हैव अ नाइस डे.